तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डिनरी पॉइंट्स किसी भी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं और सीरीज सॉल्यूशन में कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों ने प्रोसीड्योर देखा और प्रोसीड्योर देखने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि वर्किंग रूल हमारा क्या होगा। इस में हम कुछ दो एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें से पहला प्रॉब्लम है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इन द फॉर्म d2y by dx square plus p dy by dx plus q y is equal to 0, जहाँ पे p का वैल्यू है यहाँ पे 0 एंड dy by dx का टर्म यहाँ पे है नहीं और q का टर्म का वैल्यू यहाँ पे है x square। सो द डिनोमिनेटर ऑफ p एंड q इज नॉट 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज ए ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू फाइंड आराम से हम लोग कर सकते हैं। सो मान लेते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन में इसको हम लोग सॉल्व करना हो तो हम लोग इसमें ले लेते हैं वैल्यू y इज इक्वल टू ए वन प्लस ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस ए टू द पावर फाइव एक्स टू द पावर फाइव। इस तरह से एन टर्म के लिए ए एन एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, so dy by dx is equal to a1 2 a2 x 3 a3 x square 4 a4 x cube 5 a5 x to the power 4। इस तरह से nth term का हो जाएगा a n n times x to the power n minus 1 plus dot dot dot। ये हमारा हो गया dy by dx। इसी तरह से अगर हम d2y by dx तो इसका फाइंड करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू 2 a2 प्लस 3 इंटू 2 a3 x 4 इंटू 3 a4 x स्क्वायर 5 इंटू 4 ए फाइव एक्स टू द पावर क्यू। इस तरह से एनथ टर्म के लिए हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन वन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y dy by dx and d2y by dx square in differential equation or in equation 1। equation 1 में इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन 1 जो है हमारा वहाँ पर d2y by dx square है y है तो हमारा सिर्फ ये टर्म और d2y by dx square का टर्म ही यूज होगा। हम लोग पुट करेंगे और भी टर्म्स हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं इस टर्म्स को 2 a2 प्लस 3 इंटू 2 a 3x प्लस 3 इंटू 4 इन तक हम लोगों ने 3 इंटू 4 तक ही निकाला है a4 इसको हम लोग चेंज कर लें आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 3 इंटू 4 a4 x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 ए 5 एक्स क्यू प्लस अभी का टर्म्स हो जाएगा 5 सिमिलरली 5 इंटू 6 ए 6 एक्स टू द पावर 4। नेक्स्ट टर्म 6 इंटू 7 ए 7 एक्स टू द पावर 5। नेक्स्ट टर्म 7 इंटू 8 8 एक्स टू द पावर 6 एंड सो ऑन प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ वाई के टर्म को लिखना होगा सो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स का पावर फोर ए फाइव एक्स का पावर फाइव लिख सकते हैं ए सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। अब सेकेंड वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो नीचे निकाल लेते हैं हम लोग
ये हो जाएगा सॉल्व करके अगर हम लिख लें और सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख लें तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a2 6 a3 12 a4 एक्स स्क्वायर 20 a5 एक्स टू पावर क्यूब देन 30 a6 एक्स टू द पावर 4 प्लस 42 a7 एक्स टू द पावर 5 प्लस 56 a8 एक्स टू द पावर 6 एंड ये टर्म्स हो जाएंगे a0 एक्स स्क्वायर a1 एक्स क्यूब ये टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई होगा देन a2 एक्स पावर 4 प्लस a3 एक्स टू द पावर 5 a4 एक्स टू द पावर 6 a5 एक्स टू द पावर 7 a6 एक्स टू द पावर 8 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। सो सिंगल टर्म्स हम लोग लिख लें तो पहला टर्म हो जाएगा 2a2 6a3x, x का कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का दो टर्म है 12a4 प्लस a0 एक्स स्क्वायर माइनस कर लें और यही है। नेक्स्ट हो जाएगा a1 प्लस 20a5 एक्स क्यूब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, नेक्स्ट a4 का टर्म है ये और ये, सो दैट विल बी 30a6 प्लस a2 एक्स का पावर 4। इसी तरह से लास्ट का टर्म होगा वो nth टर्म के लिए भी होगा। सो इसका अगर nth टर्म हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसका nth टर्म होता हमारा और इसका भी nth टर्म होता, उसी टर्म्स में हम इसको भी लिख लेंगे तो इसका nth टर्म जो होगा वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा लेकिन दो टर्म पीछे होगा तो इसका टर्म हो जाएगा an-2 प्लस n+2 इंटू n+1 an+2 एक्स टू द पावर n प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते थे, nth टर्म में हम लोग सॉल्व किए हुए हैं एक्स टू द पावर n के लिए और एक्स टू द पावर n+1 2 के लिए। तो इसमें भी जो टर्म हम लोग डबल डिफरेंशिएट किए थे, डबल डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग पहला टर्म अगर हम लोग लिए थे y के लिए nth टर्म an एक्स टू द पावर n तो डीवाई बाई डी एक्स में इसका वैल्यू आ गया था एन इंटू ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन और d2y/dx स्क्वायर में इसका टर्म आ गया था एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। तो एक्स टू द पावर एन टर्म में हमको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, दो टर्म्स और आगे जाना पड़ता, दो टर्म आगे जाने के लिए हम लोग को भी एन के जगह पे, चूँकि एन माइनस टू है तो ये एन है, तो अगर ये एन होता तो ये क्या होता, ये एन प्लस वन होता और ये एन प्लस टू होता। सो ये एन प्लस टू और एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो ये हमारा सीरीज हो गया। अब एक ही करके हम सीरीज को हम लोग इक्वेट करेंगे एक्स के पावर जीरो के लिए। सो इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट of the various powers of x we have, so इसके साथ इधर right hand side में कोई भी power नहीं है, so 2a2 is equal to 0, therefore a2 is equal to 0, similarly a3 is equal to 0, next a0 प्लस 12 a4 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से a4 का वैल्यू हो जाएगा माइनस a0 डिवाइडेड बाई 12, a0 का वैल्यू हमने नहीं निकाले तो माइनस a0 डिवाइडेड बाई 12 8 में रहेगा। उसी तरह से a5 जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये टर्म है हमारा a1 प्लस 20 a5 सो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a5 हो जाएगा माइनस ऑफ a1 डिवाइडेड बाई 20। नेक्स्ट टर्म है हमारा a2 प्लस 30 a6 इज इक्वल टू 0, सो a6 इज इक्वल टू माइनस
a2 divided by minus a2 divided by 30, or a2 का वैल्यू है 0, so a6 is also 0. तो जनरल टर्म जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जनरल टर्म हमारा हो जाएगा ए एन माइनस टू प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन ए एन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए एन प्लस टू इज इक्वल टू, इस टर्म को सारे उधर लेके जाएंगे, माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन एन प्लस टू, यहाँ पे हो जाएगा ए एन प्लस टू. तो माँ ए एन प्लस टू और ए एन माइनस को हम लिख भी सकते हैं माइनस ऑफ ए एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन एन प्लस टू. इसी को हम लोग कहेंगे हम लोग रिकरेंस फॉर्मूला, रिकरेंस फॉर्मूला. ये रिकरेंस फॉर्मूला हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग बाकी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाकी वैल्यूज़ को. तो बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग वैल्यू लिखेंगे. सबसे पहले हम रिकरेंस फॉर्मूला को लिख लें, ये है ए एन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस वन एन प्लस टू. एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू फाइव पुट करेंगे. अगर तो बुक में कॉपी में सॉल्व कर लें तो आराम से हो जाएगा सॉल्व. ए सेवन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं माइनस ए थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू सेवन, और ए थ्री का वैल्यू है मेरा जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो. एन इज इक्वल टू सिक्स पुट करेंगे तो ए एट, ए एट का वैल्यू हो जाएगा इस फॉर्मूला से ए सिक्स, ए सिक्स ए फोर डिवाइडेड बाई सेवन इंटू एट, और ए फोर का वैल्यू है हमारा माइनस ए नॉट बाई ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए नॉट सेवन इंटू एट इंटू ट्वेल्व. उस तरह से एन इज इक्वल टू सेवन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन प्लस टू इज इक्वल टू ए नाइन, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए सेवन माइनस टू इज इक्वल टू ए फाइव डिवाइडेड बाई सेवन एट इंटू नाइन, और ए फाइव का वैल्यू है हमारा माइनस ए वन, तो ये हो जाएगा प्लस ए वन ट्वेंटी है यहाँ पे ट्वेंटी इंटू एट इंटू नाइन. इसी तरह से एन इज इक्वल टू एट पुट करेंगे तो ए टेन का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए सिक्स डिवाइडेड बाय नाइन इंटू टेन, और ए सिक्स का वैल्यू हम लोगों ने जीरो निकाला है तो ये हो जाएगा टोटली जीरो. उधर से एन इज इक्वल टू नाइन पुट करेंगे तो हो जाएगा ए इलेवन, ए इलेवन का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस ए सेवन डिवाइडेड बाई टेन इंटू इलेवन, और ए सेवन का वैल्यू हम लोगों ने जीरो फाइंड किया है तो ए सेवन का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने जीरो फाइंड किया तो ये भी जीरो. तो इस तरह से हम लोग बाकी सारे वैल्यूज को रिकरेंस प्रॉपर्टी के फॉर्मूला के बेसिस पे सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सर ये सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एवरेज वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग एवरेज वैल्यूज इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में हमारा सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमारा कैलकुलेट किए गए थे, जो y इज इक्वल टू पावर सीरीज सॉल्यूशन जो लिए थे y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, सारे वैल्यूज को वहाँ पे कैलकुलेट करके जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम आंसर हो जाएगा. ये सारे वैल्यूज हम लोग कॉपी में लिखे जाने लगे, तो सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन बाई ट्वेल्व ए नॉट एक्स टू द पावर फोर ए वन बाई ट्वेंटी एक्स टू द पावर फाइव ए नॉट ट्वेल्व इंटू सेवन इंटू एट एक्स टू द पावर एट. नेक्स्ट हो जाएगा ए वन, ये हो जाएगा ट्वेंटी इंटू एट इंटू नाइन एक्स टू द पावर नाइन माइनस ए नॉट
12 into 8 into 7 into 11 into जितने वैल्यूज आप फाइंड कर सके, दो तीन वैल्यूज तक भी इसको फाइंड किया जा सकता है पावर सीरीज सॉल्यूशन में, प्रोसीड्यूर हमारा जानना जरूरी है। बाकी ये बाहर भी काफी इजी प्रोसीड्यूर है। सो y इज इक्वल टू a नॉट कॉमन हम लोग लेंगे, तो जहाँ जहाँ a वन a नॉट है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो ये हो जाएगा 1 - 1/12 x टू द पावर 4 1/12 into 7 into 8, 7 into 8 x to the power 8, next term 1/12 into 8 into 7 into 11 into 12 multiply bhi kar sakte hain x to the power 12 and so on। Us tarah se a1 ka term hai yahan pe, a1 yahan pe hai, a1 yahan pe hai, yahan pe a1 common x minus 1/20 x to the power 5 प्लस 1/20 प्लस 8 प्लस 9 x टू द पावर 9। सो ये हमारा y का वैल्यू हो गया पावर सीरीज सॉल्यूशन। इसी तरह से बाकी और भी प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सके। सो पावर सीरीज के सेकेंड प्रॉब्लम में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सो पहले इसको सम सिंप्लीफाई कर लें, दैट मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस टर्म विल गेट रिड्यूस टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टू वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो हियर p इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी एंड q इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 तब भी यहाँ पे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 का टर्म एग्जिस्ट करेगा। सो x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर अ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। सो नेक्स्ट हम लोग एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू पावर सीरीज सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू समेशन a k x टू द पावर k। सो दिस कैन बी एक्सपेंडेड इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x, दैट इज a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 टू nth पावर, दैट इज a n प्लस x टू द पावर n, एंड देन दिस सीरीज गोज टू इनफाइनाइट सीरीज। नाउ differentiating both sides with respect to x, the first order derivative, that is y dash or dy by dx, here dy by dx will be summation ak differentiation of x to the power k is equal to k x to the power k minus 1. Again differentiating this term with respect to x, that is d2y by dx square, this will be equal to summation a k k some differentiation of x to the power k minus 1 is equal to k minus 1 x to the power k minus 2. So putting all these value, that is y double dash, that is dy by dx and d2y by dx square in equation 1, we get 1 minus x square summation a k k k minus 1 x to the power k minus 2, then x times summation a k k x to the power k minus 1, and then last term, that is 4y, that is 4 into summation a k x to the power k। ये सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पहली बार में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड दूसरी बार में ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। So, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x का पावर k माइनस 2 होगा, लेकिन जब ये x स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर जो है x टू द पावर k माइनस 2 ये रिड्यूस हो जाएगा और x का पावर k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ समेशन a k k k माइनस 1 x टू द पावर k, एंड द सेकेंड टर्म व्हेन इट्स मल्टीप्लाई विद x, सो x टू द पावर 1 और x टू द पावर माइनस 1 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हो जाएंगे समीशन ए के के एक्स टू द पावर के प्लस 4 समीशन ए के एक्स टू द पावर के इज इक्वल टू 0। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस विल बी गिव
ये दोनों टर्म, दोनों में एक्स टू द पावर के का टर्म है, तो इस दोनों में हमारा हो जाएगा समेशन ए के एक्स टू द पावर के कॉमन, के इंटू के माइनस वन प्लस के माइनस फोर, यहाँ पे के, यहाँ पे माइनस फोर, चूंकि माइनस कॉमन हम लोग लिए हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस के माइनस फोर, प्लस के और माइनस फोर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारा टर्म बचेगा के स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर के इक्वल टू जीरो बाय पुटिंग के प्लस टू फॉर के इन द फर्स्ट समेशन एंड के इज इक्वल टू के इन द सेकेंड समेशन, वी गेट के प्लस टू, के प्लस टू प्लस के प्लस वन माइनस ए के, के स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। हम लोग यहाँ पे एक्स टू द पावर के कोफिशियंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्स टू द पावर के का कोफिशियंट यहाँ पे ए के है और के स्क्वायर माइनस फोर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टर्म में भी के का पावर फोर, एक्स टू द पावर के का कोफिशियंट होगा, इसके लिए हमको दो टर्म क्या करना होगा, पीछे की ओर जाना होगा या फिर दो टर्म आगे जाना होगा, क्योंकि इसमें हम के की जगह पे हम क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे ये के हो जाए, तो के की जगह पे ऑब्वियसली के प्लस टू पुट करेंगे, तो के प्लस टू माइनस टू दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जहां जहां के है वहां पर के प्लस टू पुट करेंगे, तो ये टर्म हो जाएगा ए के प्लस टू, ये के जगह पे हो गया के प्लस टू, यहाँ पे के प्लस टू माइनस वन हो जाएगा के प्लस वन, इसी पे हमारा डाउट है, बाकी तो ये दोनों टर्म काफी इजी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आया सॉल्यूशन, ये है हमारा रिकरेंस रिलेशन। इस रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग बाकी टर्म्स का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो इफ के इज इक्वल टू जीरो, ए टू इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू ए नॉट, के इज इक्वल टू वन, ए थ्री इज इक्वल टू माइनस हाफ ए नॉट ए वन, k is equal to 2 is equal to a4, that is 0 into 3 into a2, that is equal to 0, k is equal to 3, a5 is equal to this in terms of a1, and k is equal to 4, then a6 is equal to 2 by 5 a4, that is 2 by 5, a4 ka value hum log 0 find kiya, to ye 0 ho jayega, is tarah se baaki sare values ko hum log kya find kar sakte hain, so substituting these value in equation 2, we get the desired result, that is the solution of the power series solution, that is y is equal to a naught a1x, फिर a2 का वैल्यू जो हमारा फाइंड हुआ है माइनस टू ए नॉट एक्स स्क्वायर, ए थ्री का वैल्यू पुट करेंगे, ए फोर का वैल्यू पुट करेंगे, ए फाइव का वैल्यू पुट करेंगे, ए सिक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये टर्म्स आया। सो ए नॉट वाले टर्म्स में कॉमन हम लोग ले लेंगे, ए नॉट का टर्म यहाँ पे है, ए नॉट का टर्म यहाँ पे है, दोनों में कॉमन लिए तो आया मेरा ए नॉट टाइम्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a1 का टर्म है, यहाँ पे a1 का टर्म है, यहाँ पे a1 का टर्म है, तो दोनों में a1 x कॉमन, सो 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4, सो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पावर सीरीज सॉल्यूशन से हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट अगर फाइंड हो रहा है या नहीं भी हो रहा हो तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सिंगुलर पॉइंट और फेबोनाची मेथड से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसे हम लोग देखेंगे।